हेलो दोस्तों, नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपना फोल्डर कोई भी जो है उस पर कैसे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और अच्छे डेस्कटॉप को आप मतलब फोल्डर को सजा सकते हैं किसी का भी फ़ोटो लगा करके। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बिना नाम और बिना ये किसी चीज़ का नहीं रहेगा उसमें कोई फ़ोटो नहीं, ऐसा फ़ोटो मैं आपको फोल्डर बना के दिखाऊँगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और अगर आप पीछे वाला वीडियो फ़ोटो लगाने वाला नहीं देखे हैं तो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप GBCTI का आप उस पर विजिट कर सकते हैं चैनल पे और देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ट्यूटोरियल प्लस ट्रिक एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको इस पर। तो अगर कोई चीज़ में से आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, नाम बनाना। जैसे कि हम नॉर्मली इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से रीनेम करते हैं, कुछ भी नाम लिखना हो तो हम नाम लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि जैसे कि अगर हम चाहते हैं बिना नाम का लिखने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से रीनेम करने के बाद आप यहाँ से इसमें कुछ अगर बिना नाम का एंटर मारते हैं तो कुछ ना कुछ नाम आएगा ही आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट बिना नाम का लिखना हो तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च में स्टार्ट में क्लिक करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना CHAR। अब ये आ गया चार्टर मैप्ड, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पास वो बहुत सारे इसमें ऑप्शन खुल के आएंगे, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें से आप देखिए बहुत सारे इसमें लेटर्स आ रहे हैं, आप प्लस सिंबल भी आते हैं। तो इसमें आप नीचे जाना है, आपको नीचे क्लिक करते करते आपको आना है, जो देख रहा होगा इसमें जैसे खाली वाला जो होगा उस पर क्लिक करना है। देखिए खाली वाला कुछ दिखेगा, बॉक्स खाली बॉक्स दिखेगा, ये देखिए बहुत सारे खाली बॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी भी बॉक्स पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर देना है, और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करके रीनेम पर जाना है, और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, मतलब पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी करने के बाद आपको एंटर मारना है, देखिए बिना नाम का हो गया ये, इसमें कोई भी नाम नहीं है। चलिए ये तो हो गया, अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो ये हटाने के लिए हमें ये जो दिख रहा है हमें फोल्डर नहीं चाहिए, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर आएँगे। प्रॉपर्टीज पर आने के बाद कस्टमाइज, इसके बाद यहाँ पर आइकन चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसमें भी हम आगे की तरफ और इसे स्क्रॉलिंग करते करते ये खाली वाला जो आएगा उस पर क्लिक करके और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए आपका जो ये है फोल्डर छिप गया, मतलब कुछ आपको दिखेगा नहीं, कहीं और पर क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल छोटा सा आइकन दिख रहा है मगर उतना भी नहीं बिना दिखने वाला। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ से क्लिक करके हम इसमें छोड़ दें, देखिए अंदर चला गया। बस जैसे इसमें अपना कोई भी फोल्डर रख सकते हो, बट इसे दिखेगा नॉर्मल तरीके से नहीं दिखेगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड करना, कैसे कोई भी फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो।